दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे। स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमृता की वाणी में। तो आज मैं मुजफ्फरपुर से गांव जा रही हूँ अपने। देखिए मैं सामान वन सब पैक कर ली, बूटो झोरा लेकर जाना है। काहे कि परसों से नवरात्रा स्टार्ट है, 26 से मैं नवरात्रा करती हूँ, इसलिए घर जाना जरूरी है। अभी लेट हो रही है, फिर बस बस पकड़ करके बात करती हूँ। अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से, निकल गई हूँ मैं घर से बाहर, जा रही हूँ बर्फ को पकड़ने, और उसके बाद बस पकड़ूंगी। आप लोग सोच रहे होइएगा कि मैं स्कार्फ क्यों बांधती हुई हूँ। मुजफ्फरपुर में जानते हैं कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इस वजह से मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं स्कार्फ बांध करके ही निकलती हूँ। मेरा रूम जो है थोड़ा अंदर में है, इसलिए पैदल जा रही हूँ ऑटो पकड़ने। फिर जा रही हूँ मैं घर, बस में हूँ। मैं उतर गई, अब जा रही हूँ यहाँ से। ये बांध दिख रहा है आप लोग को, बांध पार करने के बाद उस साइड मेरा गांव है। मैं तो आ गई मैं अपने गांव। फाइनली 2 घंटा के बाद मैं पहुंच गई घर पे। अभी थोड़ा थकी हुई हूँ, काहे कि इधर धूप जो है ना बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी भयंकर है, इस कारण से थक गई हूँ। थोड़ा आराम आराम करती हूँ, उसके बाद फिर बातचीत करती हूँ आप लोगों से। मैं आराम आराम कर ली दोस्तों, अब जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि माँ के हाथ का खाना देख करके ना मेरे मुंह से पानी आ रहा है। इसलिए आज पनीर का सब्जी, भिंडी का सब्जी ये सब बनाई हुई है, तो वो सब देख करके और ज़्यादा पानी आ रहा है। वैसे भी माँ के हाथ का खाना का स्वादिष्ट ही अलग रहता है। किस किस लोगों के माँ के खाना का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। मैं 1 मंथ बाद खाने जा रही हूँ अपने माँ के हाथ का खाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।